खुश रहने के तीन ही रास्ते हैं, शुक्राना, मुस्कुराना और किसी का दिल ना दुखाना। हर किसी को खुश रहना शायद हमारे बस में नहीं है, लेकिन हमारी वजह से किसी को दुख ना पहुंचे, ये हमारे बस में जरूर है। जिस पल आप खुश होते हो, सिर्फ उसी पल को अपनी जिंदगी जीती है, इसलिए पूरी जिंदगी खुशी से जीने के लिए जिंदगी का हर पल जिए। जरूरी नहीं कि आप मीठा खिलाकर किसी का मन मीठा करें, आप केवल मीठा बोलकर भी लोगों को खुशी दे सकते हैं। आपको लगता है जो कम दुखी है वही सबसे ज्यादा सुखी है। दुनिया में सबसे खुशहाल व्यक्ति वही है जो बिना स्वार्थ के किसी की भी मदद कर देता है। हंसता हुआ हर इंसान बहुत खूबसूरत लगता है, इसलिए हमेशा हंसते रहो। हर वो दिन खुशी का दिन है जिस दिन आप अपने माता पिता से मुस्कुरा कर बात करते हो। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहा करो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। भूल जाओ अपना बीता हुआ कल, दिल में बसा लो आने वाला कल। मुस्कुराओ चाहे जो कुछ भी हो कल, फिर खुशियां लाएगा आने वाला पल। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। अधिकतर लोग उतने ही खुश रहते हैं जितना खुश होने का वे निर्णय करते हैं। आपकी खुशी आपकी आज़ादी में है, अगर आप आज़ादी नहीं तो खुशी नहीं। खुशी और शांति अंदर से आती है, ढूंढने से नहीं। आपका हमेशा खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। मुस्कुराहट वो हीरा है जिसे आप बिना खरीद पहन सकते हो, और जब तक यह हीरा आपके पास है, आपको सुंदर दिखने के लिए किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। खुशी ही केवल एक ऐसी चीज है जिसे आप कभी भी महसूस कर सकते हैं। उस चीज को पाने के बारे में सोचें जिसे आप पूरे दिल से चाहते हैं। खुश हूँ मैं क्योंकि मुझे सपनों से ज्यादा अपनों की फिक्र है। दुनिया में सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति वो है जो अपनी खुशी से ज्यादा दूसरे की खुशी को बढ़ावा देता है। खुशी बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से कम, इसलिए दोनों बांटें और खुद को अच्छा महसूस करने दें। वे मतलब चिंता करने की वजह, वे मतलब खुश रहना ज्यादा बेहतर होता है। अगर जीवन में खुशी चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। जीवन में दुख और सुख दोनों एक साथ चलते हैं। जब एक थक जाता है तो दूसरा उसका स्थान ले लेता है। दौलत की तरह खुशी भी अपेक्षा रूप में नहीं मिलती, यह किसी उपयोगी सेवा के फलस्वरूप भी मिलती है। ज्यादातर लोग जीवन में उतरते ही खुश रह पाते हैं। टेंशन से चेहरे पर पिंपल पड़ते हैं, रोने से चेहरे पर रिंकल पड़ते हैं। इसलिए दोस्तों हमेशा हंसते रहो, क्योंकि हंसने से चेहरे पर डिंपल पड़ते हैं। मुस्कान एक ऐसा उपहार है जो बिना मोल के भी अनमोल है। इसमें देने वाले का कुछ कम नहीं होता और पाने वाला निहार हो जाता है। खुद से प्यार करना सीखें, फिर देखना जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। खुशी कोरोना की तरह है, जितना लोगों में बांटोगे उतना ज्यादा ही फैलेगी। जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उस घर में भगवान बसते हैं। खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में सब कुछ ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपने अपने दुख से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। सबसे पहले उस इंसान को खुश करने के बारे में सोचो जिसे आप रोज आईने में देखते हो। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो अतीत में नहीं रहें, भविष्य की चिंता नहीं रहे, वर्तमान में पूर्ण रूप से जीने पर ध्यान केंद्रित करिए।
हर दिन खुशियों से भरा है जब भी हमने माता पिता से हंसकर बात की हो। खुशी तब मिलेगी जब आप सोचते हैं, जो कहते हैं, जो करते हैं सामंजस्य में हो। अपने दुश्मनों को दी जाने वाली सबसे खतरनाक सजा आपकी खुशी है। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहें कि तुम नहीं कर सकते। जब आप एक ही चुटकुले पर दोबारा नहीं हंस सकते हो, एक ही दुख पर बार बार परेशान क्यों होते हो? एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा खुशियों को पालना सीखता है, जबकि एक मूर्ख व्यक्ति खुद को हमेशा खुशियों से दूर पाता है। लोगों को छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढनी चाहिए, जैसा कि अपनों के साथ। मैंने खुद को मुस्कुराते हुए पकड़ा और फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं तो तुम्हारे बारे में सोच रहा था। हमेशा हंसते रहिए, जितनी भी परेशानियां हो मुस्कुराते रहिए। एक दिन जिंदगी भी आपको परेशान करते करते थक जाएगी। जिंदगी कुछ दिनों की मेहमान है, जिन्हें हंसकर ऐसे गुजार दिया वही पहलवान है। खुशी दुनिया की बहुत ही कीमती चीज है, इसलिए इसके लिए दूसरे पर निर्भर ना रहें। हमेशा इतना खुश रहो कि लोग परेशान हो जाएं और सोचें कि इसे किस बात की खुशी है। जिंदगी में अगर खुशी चाहिए तो पैसों को जेब में रखना, दिमाग में नहीं। एक मुस्कुराहट सबसे अच्छा मेकअप है जिसे कोई भी इंसान पहन नहीं सकता। मुस्कुराहट एक ऐसी शक्ति है जिसे कोई हरा नहीं सकता। दुख में कोई किसी का साथ नहीं देता, इसलिए खुश रहने की आदत डाल लो। माना कि जिंदगी आसान नहीं, मगर मुस्कुराकर चलने में भी कोई नुकसान नहीं। हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर आता है। थोड़ा सब्र रखिए, खुशियां भी जरूर आएंगी। आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति मजबूत होना बहुत जरूरी है। आपकी खुशी सबसे बड़ी महंगी चीज है, इसे किसी को चुनने ना दे। हमेशा दूसरों की मदद करते रहो। यदि दिल में खुशी हो तो वही सेवा है, बाकी सब दिखावा है। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।